मनमोहिनी दीदी, जिन्हें हम सभी बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं, दीदी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनके शब्दों में बहुत शक्ति थी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जो कुछ बोलती थी वो व्यक्ति के दिल को छू जाता था। मुझे याद है कि एक बार एक व्यक्ति जो अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को चलना समझना शुरू किया था और इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल पड़े थे, दिल्ली से थे, उनका प्रोफेशन बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन था और बहुत व्यस्त रहते थे सुबह से लेकर रात तक, और इसलिए उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो रोज़ क्लास में आ सकें। उनका परिवार भी काफ़ी बड़ा था, बहुत जिम्मेवार व्यक्ति थे। एक बार बड़ी दीदी दिल्ली विजिट करने आई और उन भाई जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली दीदी को रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने की। तो जब वो रेलवे स्टेशन पर दीदी को रिसीव करने गए, रास्ते में आते समय दीदी ने उनके बारे में पूछा, जानकारी प्राप्त की और उन्हें मालूम पड़ा कि वो बहुत व्यस्त रहते हैं और इसलिए उनको रोज़ क्लास में आना संभव नहीं होता। तो दीदी ने बहुत प्यार से उनकी तरफ देखते हुए कहा कि चलो पूरी क्लास के लिए नहीं, लेकिन चाहे 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, लास्ट में 2 महावाक्य सुनने के लिए, बीच में पहले 2 मिनट के लिए, लेकिन आप क्लास में अटेंडेंस ज़रूर लगाओ, ऐसा मन में संकल्प करो, तो मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं। दीदी ने इतना हुज्जत से और प्यार से ये बात कही कि वो व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे अपने आप में, उन्होंने दीदी को देखते हुए ये वायदा कर दिया, ठीक है दीदी, मैं रोज़ क्लास में आऊँगा। और उस दिन के बाद जब तक वो इस शरीर में रहे वो आत्मा, तब तक रोज़ विदाउट फेल रोज़ क्लास में आते थे, चाहे लास्ट में 2 मिनट के लिए ही आ पाएँ, 3 मिनट के लिए ही आ पाएँ, लेकिन रोज़ क्लास में आते थे। और यहाँ तक कि अगर वो बाय चांस किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर कोई सेवा केंद्र नहीं है, तो वो मालूम करते थे कि नज़दीक वाला सेवा केंद्र कहाँ होगा। कभी कभी 30-40 किलोमीटर दूर भी वो सेवा केंद्र होता था, तो वहाँ पर वो ड्राइव करके जाते थे और मुरली के कुछ महावाक्य सुनने के पश्चात फिर वो वापस आते थे। तो दीदी के शब्दों में इतना प्रभाव था, इतनी ताकत थी कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति भी उनके शब्दों से प्रभावित हो जाता था। और मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए था कि दीदी जो बोलती थीं वो पहले उसको खुद करती थीं। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान के लिए बहुत बहुत वैल्यू थी, बहुत महत्व था। इतने वर्षों के बाद भी, इस उम्र में होते हुए भी, किस प्रकार की शरीर की परिस्थिति होते हुए भी, वो रोज़ सबसे पहले एक अच्छे विद्यार्थी की तरह डायरी और पेन लेकर के क्लास में पहुंच जाती थी और फ्रंट रो में बैठती थी। बकायदा वो क्लास में पॉइंट्स नोट करती थी, नोट्स लेती थी, और नोट्स लेने के बाद अपने रूम में वापस आने के बाद उन नोट्स को स्टडी करती थी, उनके क्वेश्चन आंसर्स बनाती थी, और फिर जब उनको किसी सेवा केंद्रों पर पत्र लिखने होते थे तो 2 पेजेस पत्र होता था और 1 पेज में वो उस मुरली के क्वेश्चन आंसर्स लिखा करती थी।
कोई भी उनसे मिलने जाता था तो पहले काम से पहले कहती थी, बताओ आज तुमने क्लास में क्या सुना, आज बाबा ने इसके बारे में क्या बोला। क्योंकि उनको खुद पढ़ाई का बहुत महत्व था, ईश्वरीय ज्ञान का बहुत महत्व था, तो जब वो किसी को कुछ ऐसी बात बोलती थी तो नेचुरली उसका प्रभाव बहुत गहरा उनके ऊपर पड़ जाता था। दूसरी बात, दीदी एक अनुशासन प्रिय आत्मा थी, बहुत डिसिप्लिन थी। इस ईश्वरीय ज्ञान में आने पर हम एक बात समझते हैं कि व्यर्थ चर्चा और व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन और नकारात्मक चिंतन से, पर चर्चा और नकारात्मक चर्चा से अपने को बचाना है, क्योंकि ये आत्मा का दुश्मन है। और क्योंकि हम इस ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, पहले हमारा जीवन कलयुगी जीवन रहा हुआ होता है, तो ये मेजॉरिटी लोगों में आदत होती है इसके बारे में उसके बारे में बातचीत करने की। किसी से आपस में मिलेंगे तो ज़रूर तीसरे व्यक्ति के बारे में किसी की निंदा, किसी की चुगली, कोई गॉसिप, कुछ ना कुछ ज़रूर करते थे। तो वो धीरे धीरे आदत बदलती है। तो मुझे याद है कि जब भी दोपहर के समय कोई ऐसा समय होता था, कुछ भाई बहन पांडव भवन मधुबन के आंगन में इकट्ठे हो जाते थे और आपस में बातचीत कर रहे होते थे, तो दीदी अपने रूम की खिड़की से देखती थी और देखती थी कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं, ज़रूर कुछ यहाँ की वहाँ की, इसमें अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, वातावरण ख़राब होता है। तो बहुत वहाँ कमरे से बाहर आके बहुत प्यार से, बहुत युक्ति से सबके पास जाके कहती थी, चलो चलो हम सब हॉल में चलते हैं, वहाँ जाके बहुत मज़ा करेंगे, हम खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, गीत गाएंगे, डांस करेंगे, चुटकुले सुनाएंगे। तो वो सबको हॉल में ले जाती थी। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन इस व्यर्थ चर्चा और गपशप से ना अपना समय वेस्ट करें ना औरों का समय वेस्ट करें, दीदी का इस पर बहुत ध्यान रहता था। लेकिन साथ के साथ बहुत ह्यूमरस भी बहुत थी। हम लोग को टाइम एंड अगेन वो नकी लेक के किनारे ले जाती थी और वहाँ पर भी हम लोग खूब मस्ती करते थे, गीत गाते, डांस करते, अंताक्षरी खेलते थे। और कभी कभी वो कहती थी, चलो हम चेक करते हैं किसके योग की शक्ति ज़्यादा है। तो छोटे छोटे कंकर जो वहाँ पड़े हुए होते थे, कहती थी ये कंकर उठाओ और इस कंकर को लेक में फेंको, तो जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी उतना दूर वो कंकर पहुँचेगा। वो खुद भी उसके अंदर हिस्सा लेती थी, इतनी बड़ी उनकी पोजीशन थी। लेकिन हम बच्चों के साथ वो इस प्रकार मिक्स हो जाती थी, बहुत ह्यूमरस तरीके से बहुत हंसाती बहलाती भी थी। और साथ साथ फिर योग की शक्ति उनमें इतनी ज़्यादा थी कि एक मिनट में, अभी अभी हंसी कुडी कर रहे हैं, एकदम से वो योग की तरफ हम लोगों को ले जाती थी। मैं एक बार की आपको हंसी की बात बताऊं कि जिस सेवा केंद्र की दिल्ली में मैं विद्यार्थी थी, वहाँ पर एक परिवार जिनके जो हेड ऑफ़ द फैमिली वो मैजिस्ट्रेट थे, वो परिवार पूरा ज्ञान में चला था, वो पहली बार मधुबन में आए थे। तो शाम का समय था, अभी उनको दो तीन दिन ही ठहरे हुए हुआ था, तो दीदी उनके साथ बात कर रही थी। तो दीदी ने उनको कहा कि भाई जी अभी हम चेक करेंगे कि आपकी योग की शक्ति ज़्यादा है या मेरी योग की शक्ति ज़्यादा है। तो वहीं बाहरी प्लेटफॉर्म पर बैठ गए और दीदी ने क्या किया, बताया कि कैसे हम चेक करेंगे। कहा देखो ये कॉइन है, इस कॉइन को हम अपने माथे पर चिपकाएंगे और जिसकी योग की शक्ति ज़्यादा होगी वो थोड़ा सा हिलाएगा तो वो कॉइन गिर जाएगा, और अगर शक्ति कम होगी तो वो कॉइन गिरेगा नहीं। तो ठीक है, तो वो दोनों प्लेटफॉर्म पे बैठ गए, हम लोग चारों और उनके खड़े हुए थे। और दीदी ने सबको कहा कि कोई भी मतलब हंसेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, सब चुपचाप दृश्य देखते रहेंगे। तो दीदी ने सबसे पहले एक बहन को कहा कि आप मेरे माथे पर यहाँ पर वो कॉइन लगा दो, तो वो कॉइन चिपका दिया गया। कुछ ही क्षणों के अंदर थोड़ा सा दीदी ने ऐसे हिलाया और वो कॉइन नीचे गिर गया। तो दीदी ने कहा देखो मेरी योग की शक्ति बहुत अच्छी है, वो कॉइन नीचे गिर गया, चलो अभी मैं आपको लगाती हूँ ये कॉइन। तो दीदी ने वो कॉइन फिर उन भाई जी को
उनके माथे पर लगाया और उनको कह दिया था कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, जैसे दीदी ने आंखें बंद की थी, आंखें बंद करो। तो कॉइन लगा दिया और लगाने के बाद कहा, अच्छा आप चलो अब आप बाबा को याद करो, योग में बैठो, फिर थोड़ा सा हिलाना तो देखना ये कॉइन गिर जाएगा, क्योंकि आपकी भी योग की शक्ति बहुत अच्छी होगी। तो वो कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे, योग लगाते रहे। एक मिनट गुजर गया, दो मिनट गुजर गए, वो ट्राई करते रहे अपने माथे को हिलाने की, मूवमेंट करने की, वो कॉइन तो गिरता ही नहीं, वो कॉइन तो गिरता ही नहीं। और हम लोग जो चारों और खड़े थे, हम हंस हंस के अपनी हंसी भी कंट्रोल करें और हंसते जाएं हंसते जाएं, तो दीदी हमको इशारे से कहो चुप चुप चुप, सब लोग चुप रहो। और वो भाई जी बड़े परेशान, एक तरफ से हंस मुस्कुराहट भी आ रही है तो दूसरी तरफ से सीरियस भी है कि मेरा योग तो है ही नहीं, कॉइन तो गिरता ही नहीं है। तो आखिर दीदी ने कहा, नहीं अभी आपकी, शायद आप अभी नए नए हैं इसलिए आप में योग की शक्ति कम है, कोई बात नहीं धीरे धीरे आ जाएगी, अभी आप ना हाथ से ही उतार लो उस कॉइन को, वैसे तो वो गिरता नहीं अभी। तो वो उन्होंने आंखें खोली और जब कॉइन को उतारा तो वहाँ कॉइन तो था ही नहीं। तो दीदी ने क्या किया था कि दीदी ने उसको इतना प्रेशर दिया था वहाँ कॉइन का, तो फीलिंग ऐसा होता था कि कॉइन लगा है, लेकिन एक्चुअली दीदी ने वो कॉइन लगाया नहीं था, लगाते समय उसको हाथ में अपने वापस ले लिया था। और वो जब देखा कि वो है ही नहीं, तो फिर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सबका हंसी का फव्वारा जो छूटा, बस बात मत पूछिए। तो इस प्रकार बहुत वंडरफुल दीदी के ह्यूमरस वेज थे, सबको ह्यूमर में भी बहुत बहुत जॉवियल नेचर की थी उसमें वो लेके आती थी, लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा सिखाती थी। और तीसरी बात एक और बताना चाहती हूँ कि हम लोग सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा में कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, और हमारी पढ़ाई मानव से देवता बनने की है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की है। तो दीदी बहुत तरीके से, बहुत विधिवत तरीके से हम लोगों को भी मर्यादा सिखा देती थी। तो मुझे अपना किस्सा याद है, जब हम बहुत छोटे थे, मैं अभी स्कूल में ही थी, शायद अभी मेरी एज 15 साल से थोड़ी ही ज़्यादा थी, मैक्सिमम 16 साल होगी, और मेरे साथ कमलेश पंत मेरी छोटी सिस्टर थी, हम दोनों थे। जनवरी मंथ था, हम मधुबन में थे, तो सबको मधुबन में मालूम था कि हमें सिंगिंग का शौक है, हम लोग अच्छा गाते हैं। तो दो भाई हमारे पास आए और हमको आके कहा कि 18 जनवरी नज़दीक है, बाबा का व्यक्त डे नज़दीक है, तो कुछ गीत हैं हमारे पास, तो आप लोग वो गीत गाएंगे, हमको रिकॉर्ड करना है। तो हमने कहा हम तो कल जा रहे हैं और कल सुबह हम लोग चले जाएंगे। तो कहा फिर अब क्या करें, और तो कोई है नहीं, एक सॉन्ग हम लोग के पास भी था, तो फिर क्या करेंगे अभी। तो हमने कहा बताइए अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी कर लें रिकॉर्ड। कहने अभी तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि दोपहर है, सब शोर है, ये तो साइलेंस में रिकॉर्ड करना होता है, तो आज शाम को रात को रिकॉर्ड कर लें आप लोग, अगर सोना नहीं पड़ेगा फिर आपको जागना पड़ेगा रात को, आप लोग जाग सकते हो। तो हमने कहा हाँ अगर ऐसी बात है तो हम लोग कर देंगे। तो टाइम फिक्स हुआ रात को 10 बजे का। चार भाई थे, एक हारमोनियम बजाते थे, कोई गुजरात से आए हुए थे, कोई तबला बजाते थे, एक रिकॉर्डिंग पर थे और एक चाय वगैरह का अरेंजमेंट करते थे। तो चार भाई थे और हम दो बहनें थे। तो हमें एक स्थान बताया गया, वहाँ पर आपको आना है और वहाँ पर हम ये सब काम करेंगे। तो हमने, सब लोग सो गए, 10 बजे सब सो जाते थे, और हम लोग वहाँ पर उस स्थान पर पहुँच गए, वो भाई लोग भी वहाँ पर आ गए और सब सेटिंग कर लिया, और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो रात भर 10 बजे से लेके 3 बजे तक हमने चार गीत रिकॉर्ड किए। उन दिनों कोई विशेष म्यूज़िक तो था ही नहीं, कोई विशेष म्यूजिशियंस तो थे ही नहीं, कोई ऐसे सिंगर्स प्रोफेशनल थे नहीं, हम ही सिंगर्स थे, घर वाले ही भाई बहन म्यूज़िक बजाते थे। तो खैर रात हो गई, पूरा हो गया रिकॉर्डिंग का काम, हम लोग फिर अपने कमरों में आ गए और एक घंटा रेस्ट करके फिर सुबह जैसे दिनचर्या शुरू होती है हो गई। सुबह क्लास में पहुँचे, क्लास पूरी हुई, हम दीदी से छुट्टी लेने गए, दीदी भी क्लास में ही बैठी थी। तो दीदी के पास एक बहन ने आके कहा, इन दोनों कुमारियों ने आज पूरी रात चार गीत रिकॉर्ड्स किया दीदी, इन्होंने बहुत मेहनत की है।
तो दीदी ने कहा अच्छा बहुत मेहनत की है, इनके लिए कोई स्पेशल सौगात लेके आओ। तो हमारी जो सौगात वो तो हमको मिल गई थी, लेकिन एक स्पेशल बहुत सुंदर मफलर्स थे, दीदी ने वो मंगवाए और हम लोग को दिए। और फिर हमको देखा, कहा अच्छा रात को आप लोगों ने 4 गीत रिकॉर्ड किए, रात को रिकॉर्ड किए। तो हमने कहा हाँ दीदी, वो और कोई तरीका नहीं था, हम लोग को आज सुबह जाना है। तो लेकिन हमको महसूस हुआ दीदी की दृष्टि से कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। दीदी ने कुछ कहा नहीं, हमको डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन दीदी की दृष्टि से हमको मालूम पड़ गया कि हमने कुछ कुछ गलत किया। तब तक तो हमें पता नहीं था, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से रात का समय तमो प्रधान होता है, और बाबा कहते हैं रात को योगी लोग सो जाते हैं, सवेरे जल्दी उठ करके वो सब कार्य करते हैं। हम तो बच्चे थे, हमें मालूम कुछ नहीं, तो हमें तो पता नहीं था, और दीदी ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि से हमको मालूम पड़ गया कि कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर जब हम दिल्ली वापस आ गए तो धीरे धीरे हमको बड़ों के कांटेक्ट में आने से मालूम पड़ा कि एटलीस्ट हमको बड़ों को बता देना चाहिए था, उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि कायदे में फ़ायदा है, जितना मर्यादाओं का पालन करते हैं उसमें अपनी सेफ्टी है। तो दीदी इस प्रकार से बहुत अच्छे रूप से मर्यादाएं सिखाती थी, एक्यूरेसी, फाइनेंस में एक पैसे का भी इधर उधर नहीं, ऐसा नहीं कि राउंड फिगर कर दो, नो राउंड फिगर नहीं, खर्च हुआ इतना पैसा, इतना रुपया एग्जैक्टली। तो इस प्रकार की दीदी की तो बहुत सी विशेषताएं हैं, मैं समझती हूँ और भी बहुत लोग उनके बारे में बताएंगे, तो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करूँगी। मैं अभी भी आपके सामने बोल रही हूँ उनके बारे में, मेरे सामने उनकी तस्वीर आ रही है, कितना दृष्टि प्यार से वो देती थी, योग युक्त होके उड़ा देती थी आत्मा को, ऐसी थी हमारी प्यारी दीदी मनमोहिनी। ओम शांति।